थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज किसका ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। हाँ, ये ड्रैगन बॉल का गोकू का ही ड्राइंग है। और इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो के अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ड्रैगन बॉल के बारे में। और चैनल अच्छा लगे और कॉन्टेंट भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी मार दीजिएगा। ड्रैगन बॉल के क्रिएटर है जापान के अकीरा टोरियामा, और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1984 को, और इसको पब्लिश किया था जापान के सुईशा कंपनी ने। हालांकि ड्रैगन बॉल एक मांगा कॉमिक है, लेकिन इसका पहला एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुआ था 1986 को। इसका जो पहला एनिमेटेड सीरीज था ये था ड्रैगन बॉल, और ये चला था 1986 से 1989 तक। उसके बाद ड्रैगन बॉल जी जो चला था 1989 से 1996, उसके बाद ड्रैगन बॉल जी टी 1996 से 1997, उसके बाद ड्रैगन बॉल जी जो 2009 से 2015 तक चला था, उसके बाद ड्रैगन बॉल जी काई जो 2009, 11, 12, 14 और 15 तक ही चला था, उसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर जो 2015 से 2018 तक चला था, और उसके बाद सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज जो 2018 में शुरू हुआ था। जापान में 2015 को जापान एनिवर्सरी एसोसिएशन ने ऑफिशियली 9 मई को एज ए गोकू डे डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि गोकू एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, लेकिन गोकू पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है और गोकू बहुत सारे लोगों का इंस्पिरेशन भी है। लेकिन आप लोगों को क्या पता है टोरियामा को ये गोकू कैरेक्टर बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और ये स्टोरी राइट करने का इंस्पिरेशन भी कहाँ से मिला? तो चलिए आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देंगे और आपका नॉलेज बढ़ाएंगे ड्रैगन बॉल के बारे में। पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा और नया लगा तो। टोरियामा का इंस्पिरेशन है 16th सेंचुरी का चाइनीज नोवल जर्नी टू द वेस्ट और हांगकॉन्ग मार्शल आर्ट फिल्म्स। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। Gotta focus on yourself, on your faith.